हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दृष्टि में। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक के बारे में। देखिए, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, जो इसको याद करने की ट्रिक है वह क्या है। एमपी की गोद में रेखा का प्लय कब हुआ, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, ये इसको याद करने की ट्रिक है। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, तो देखिए, एम से हो गया हमारा महानदी, पी से हो गया पेन्नार, गोद से हो गया हमारा गोदावरी, और रेखा से हो गया स्वर्ण रेखा, और का से हो गया हमारा कावेरी। अब कब, कब का अगर हम देखा जाए तो कब का से हो गया हमारा कृष्णा, पा से हो गया ब्रह्माणी, और विलय से हो गया हमारा बेगाई। तो ये हमने देखा जो इसको याद करने की ट्रिक थी, उससे कितनी नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ जितनी भी हैं इनका जल जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहलाती हैं। इसके बाद में अगर हम देखा जाए तो थोड़ी बात गोदावरी की करते हैं। अगर गोदावरी की बात करें हम तो यह जो नदी है यह सबसे बड़ी नदी है जो कि दक्षिण भारत की है। इसका उद्गम स्थान की बात करें अगर तो पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। तो यह इसकी उद्गम जहाँ से ये नदी निकलती है उसकी बात हो गई है। इसके आगे थोड़ी और जानकारी है, यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। तो आपको पता होगा गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय में सबसे बड़ी नदी है। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। इसे दक्षिण में गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको जैसे गोदावरी नदी को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा भी इसको कहते हैं, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी जो सहायक नदी है वह बेलगंगा है। जो हमारी गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है यह बेलगंगा है। यह सबसे जो इसकी सहायक नदी है सबसे सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। और अगर हम गोदावरी नदी की लंबाई की बात की जाए तो 1465 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, जो कि कहाँ से, यह त्रयंबक पहाड़ी से निकलती हुई है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, वहाँ तक की इसकी पूरी लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो देखिए, हमने इस वीडियो में देखा जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उनको याद करने की ट्रिक के बारे में, और इसके बाद में अभी और सी नदियां हैं दक्षिण भारत की जो कि हैं, पर ये प्रमुख नदियां थीं जिनके बारे में हमने आपसे बात की है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और इसकी आगे की जो और नदियां हैं उसके लिए आप कमेंट कीजिए, तो हम अगला वीडियो उसी के लिए बनाएंगे। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दृष्टि को। धन्यवाद।